अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल सी एग करी की रेसिपी। तो चले बिस्मिल्लाह बोलकर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, मैंने कुछ एग्स को उबाल लिया है, इसे हमें हल्का सा फ्राई कर देना है। इस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दें और इसे हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर एक मिक्सी ली है मैंने, इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 1/3 कप के करीब दही ली है मैंने, इसे हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पर 1/2 कप के करीब तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था इसमें मैंने प्याज ऑलरेडी पहले से बना के रेडी कर लिया है, इसे पेस्ट बना लेना है हमें। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमारे जो बॉयल एग्स है उसे भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा भी हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस स्लाइटली हमें इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के बाद हमें इसे साइड में निकाल के रख देना है और उसी तेल में यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन गया है, यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर ऐड कर ले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला इसमें शामिल कर ले, अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसे भी 2 मिनट के लिए मसालों को सौटे होने दे। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने पेस्ट बना के रेडी किया था वो इसमें ऐड कर ले, जार को क्लीन कर दे थोड़ा सा पानी ऐड करके, और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और हमें इसे अच्छे से भून लेना है तेल के अलग होने तक। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें जो हमने फ्राई किया हुआ था हमारे बॉयल एग्स वो इसमें ऐड कर देंगे। और आपको ग्रेवी के हिसाब से जितना आपको इसमें पानी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। एक बार इसे हल्के हाथ से स्टर कर ले और एक अच्छा सा इसमें बॉयल आने दे। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड की है, हरी मिर्च थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। मिक्स कर ले इसे अच्छी तरीके से और एक अच्छा सा बड़ा बॉयल आने दे। देखिए इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है, हमारी जो एग करी है वो बनके बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे ज़ीरा राइस के साथ सर्व करें। देखा आपने कितनी ईजी और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है ये, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हम ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।